को सुलझाने और लद्दाख की गलवान घाटी में हिंसा को लेकर भारत और चीन के बीच आज फिर मेजर जनरल स्तर की चर्चा हुई। करीब 5 से 6 घंटे तक चली इस चर्चा में कई अहम मुद्दों पर विचार किया गया। कल फिर मेजर जनरल स्तर की चर्चा की संभावना है। इस बीच भारत ने साफ तौर पर कहा कि संप्रभुता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। विदेश मंत्रालय ने कहा कि मतभेदों को शांति से सुलझाने पर उसका जोर रहता है। भारत ने क्षेत्रीय अखंडता को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए उम्मीद जताई है कि चीन अपनी गतिविधियां अपने इलाके तक सीमित रखेगा। विदेश मंत्रालय ने यह भी कहा कि कोई भी जवान लापता नहीं है। We remain firmly convinced of the need for maintenance of peace and tranquility in the border areas and the resolution of differences through dialogue. At the same time, as Honorable PM stated yesterday, we are also strongly committed to ensuring India's sovereignty and territorial integrity. वहीं चीन ने लद्दाख हिंसा के लिए एक बार फिर भारत को जिम्मेदार ठहराया है।中方已多次声明，事件发生的起因是印方一线部队公然打破双方军长级会晤达成的共识，在加勒万河谷现地局势已经趋缓的情况下，再次跨越时空线。 चीन से जारी तनाव के बीच भारतीय रेल ने चीन की कंपनी का 471 करोड़ रुपए का ठेका रद्द कर दिया है। रेलवे ने टेंडर रद्द करने की प्रक्रिया शुरू करते हुए कहा कि चीन की कंपनी 4 साल में बेहद धीमी गति से सिर्फ 20% काम ही कर पाई। चीन की कंपनी को कानपुर से मुगल सराय के बीच 417 किलोमीटर के रूट में सिग्नलिंग और टेलीकम्युनिकेशन का काम दिया गया था। इससे पहले टेलीकॉम मंत्रालय BSNL और MTNL के अलावा निजी कंपनियों को भी निर्देश जारी कर चुका है कि वो चीनी उपकरणों का इस्तेमाल कम करने की शुरुआत करें। सरकार ने सुरक्षा खतरे का हवाला देते हुए कहा था कि 4G के अपग्रेडेशन में चीनी उपकरणों का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राहुल गांधी के उस सवाल का जवाब दिया जिसमें उन्होंने पूछा था कि गलवान में सैनिकों को शहीद होने के लिए बिना हथियार के क्यों भेजा गया। विदेश मंत्री ने ट्वीट करके बताया, सीमा पर तैनात सभी जवानों के पास हथियार होते हैं। 15 जून को गलवान में तैनात सैनिकों के पास भी हथियार थे, लेकिन 1996 और 2005 के भारत चीन समझौते के कारण लंबे वक्त से फेस ऑफ के वक्त जवान फायर आर्म्स का इस्तेमाल नहीं करते। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज वीडियो मैसेज के जरिए पूछा था कि हमारे सैनिकों को शहीद होने के लिए निहत्थे क्यों भेजा गया और इसके लिए कौन जिम्मेदार है। भाइयों और बहनों, चीन ने हिंदुस्तान के शस्त्रहीन सैनिकों की हत्या करके एक बहुत बड़ा अपराध किया है। मैं पूछना चाहता हूं, इन वीरों को बिना हथियार खतरे की ओर किसने भेजा और क्यों भेजा, कौन जिम्मेदार है। धन्यवाद। बीजेपी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर आरोप लगाया है कि 2008 में राहुल गांधी ने चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से एक गुप्त समझौता किया था। बीजेपी ने कहा कि 2008 की मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि कांग्रेस के तत्कालीन महासचिव राहुल गांधी और चीन की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी के तत्कालीन महासचिव शी जिनपिंग में समझौता हुआ था। समझौते के वक्त सोनिया गांधी भी मौजूद थी। समझौते में दोनों पार्टियों में द्विपक्षीय, क्षेत्रीय, अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर चर्चा की सहमति बनी थी, लेकिन यह समझौता देश की संप्रभुता के खिलाफ था। मतलब ये कांग्रेस पार्टी और CPC कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना एक दूसरे को कंसल्ट करेगी, किन विषयों में, कोई भी इंटरनेशनल विषय होगा, कोई भी बायलैटरल विषय होगा और कोई भी रीजनल अर्थात साउथ ईस्ट रीजन का विषय होगा, इसमें ये आपस में कंसल्ट करेंगे। ये UPA और सरकार से परे केवल नेहरू गांधी परिवार के नजदीक आने के लिए ये MOU साइन किया गया। भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का 8वीं बार अस्थायी सदस्य चुना गया है। भारत 2022 तक सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य रहेगा। सुरक्षा परिषद में भारत को चुनने के लिए 192 देशों में से 184 देशों ने पक्ष में वोट दिया, जबकि भारत को 128 वोट की ही जरूरत थी। भारत को समर्थन के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व समुदाय का आभार जताया है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया कि भारत वैश्विक शांति, सुरक्षा, लचीलापन और इक्विटी को बढ़ावा देने के लिए सभी सदस्य देशों के साथ काम करेगा। भारत 1950, 1967, 1972, 1977, 1984, 1991 और 2011 में भी सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य रह चुका है। आत्मनिर्भर भारत अभियान में प्रधानमंत्री मोदी ने आज निजी क्षेत्र के लिए 41 कोल ब्लॉक्स की नीलामी की प्रक्रिया शुरू की।
प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत कोरोना की बड़ी आपदा को अवसर में बदलेगा और आयात पर खर्च कम करके लाखों करोड़ की विदेशी मुद्रा बचाएगा। भारत आपदा कितनी ही बड़ी क्यों न हो, उसको अवसर में बदलने के लिए कृत संकल्प है और हम सब मिलकर के आपदा को अवसर में बदलेंगे। केंद्र सरकार मजदूरों को रोजगार के लिए गरीब कल्याण रोजगार अभियान 20 जून से शुरू करने वाली है। बिहार के खगड़िया से खुद प्रधानमंत्री मोदी इस अभियान की शुरुआत करेंगे। इस रोजगार अभियान में हर जिले में 25,000 मजदूरों को रोजगार देने की योजना है। ये नहीं है कि हमारे 25,000 ही हमारे नंबर है, उससे ज्यादा कोई उस डिस्ट्रिक्ट में पहुंचे तो उनको छोड़ जाएंगे, नहीं। ये हम मिनिमम 25,000 का नंबर लेकर के कर रहे हैं, ज्यादा आने में और उनको भी जोड़ लेते हैं। सीमा विवाद को लेकर भारत के कड़े रुख पर चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स ने अप्रत्यक्ष तौर पर धमकी दी है। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा, भारत ने सीमा पर तनाव बढ़ाया तो उसे चीन, पाकिस्तान, नेपाल से एक साथ जंग करनी पड़ सकती है। अगर ऐसा हुआ तो भारत की विनाशकारी हार होगी। ग्लोबल टाइम्स ने भारत के स्वदेशी अभियान पर भी तंज कसा। अखबार ने लिखा, बहिष्कार से चीन की कंपनियों का कोई नुकसान नहीं होगा। भारतीय उद्योग चीन के सामानों पर निर्भर है। चीन के सामानों का बहिष्कार करने में भारत की भलाई नहीं है। नेपाल के नए राजनीतिक नक्शे के लिए लाया गया संविधान संशोधन बिल सर्वसम्मति से ऊपरी सदन में भी पास हो गया। सदन में मौजूद सभी 57 सदस्यों ने बिल के पक्ष में वोटिंग की। नए नक्शे में भारत के रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण कालापानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को नेपाल का हिस्सा बताया गया है। भारतीय नक्शे में ये सभी हिस्से उत्तराखंड में पड़ते हैं। जम्मू कश्मीर के शोपियां और अवंतीपुरा में सुरक्षा बलों ने दो मुठभेड़ों में एक एक आतंकी को मार गिराया। मुठभेड़ खत्म नहीं हुई है। अवंतीपुरा के पंपोर में आतंकी एक मस्जिद में छिपे हुए हैं। मुठभेड़ कल रात 2 बजे शुरू हुई थी। शोपियां में आतंकियों से मुठभेड़ आज दोपहर को शुरू हुई। सुरक्षा बलों ने कल ही शोपियां में 3 आतंकियों को मार गिराया था। दूसरी ओर पाकिस्तान ने आज भी माछिल सेक्टर में सीज फायर तोड़ा और मोर्टार दागे। भारतीय सेना ने गोलाबारी का कड़ा जवाब दिया। पाकिस्तान ने मंगलवार को भी तंगधार सेक्टर में फायरिंग की थी। जवाब में सेना ने पीओके में पाकिस्तान की कई चौकियां उड़ा दी थी। देश में आज करीब 13,000 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए। 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 12,881 नए केस आए, जो कि एक रिकॉर्ड है। 3,66,946 लोग देश में अब तक कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं। 1,94,325 लोग ठीक भी हो चुके हैं, लेकिन वायरस से 12,237 लोगों की जान भी जा चुकी है। अभी वायरस से संक्रमित 1,60,384 लोगों का इलाज चल रहा है। देश में संक्रमण से ठीक हुए लोगों का रिकवरी रेट 53% के पास पहुंच गया है। सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमण के नए मामले महाराष्ट्र से आए। पिछले 24 घंटे में यहां 3,307 लोग संक्रमित हुए और 114 लोगों की मौत भी हुई। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना वायरस से 2,400 से ज्यादा लोग संक्रमित हुए हैं। आज से कोरोना वायरस की एंटीजन किट से जांच शुरू हो गई है। दिल्ली को कोरोना टेस्ट के लिए 50,000 एंटीजन किट मिले। एंटीजन किट से जांच रिपोर्ट 15 से 30 मिनट में आ जाती है। दिल्ली में कोरोना वायरस से अब तक 47,102 लोग संक्रमित हुए हैं। 17,457 लोग इलाज से ठीक हुए हैं। 27,000 से ज्यादा संक्रमित लोगों का अब भी इलाज चल रहा है। दिल्ली में कोरोना टेस्ट की फीस घटाकर 2,400 रुपए कर दी गई है। लद्दाख में शहीद हुए सेना के कई शहीदों को आज देश ने अंतिम विदाई दी। तेलंगाना के सूर्यापेट में शहीद कर्नल बी संतोष बाबू का पूरे सैन्य सम्मान से अंतिम संस्कार किया गया। शहीद कर्नल की अमर यात्रा के दौरान लोगों ने वंदे मातरम और संतोष बाबू अमर रहे के नारे लगाए। उनके पार्थिव शरीर पर पुष्प वर्षा की गई। पटना के बिहटा में शहीद जवान सुनील कुमार की अमर यात्रा में भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान भारत माता की जय के नारे गूंजे। बिहार के 4 शहीद जवानों के पार्थिव शरीर विशेष विमान से पटना एयरपोर्ट लाए गए। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।